वासुदेव नमस्तुभ्यं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। कहते हैं विवाहित जीवन एक गाड़ी है जिसमें आदमी और औरत दो बराबर के पहिए हैं। भूल से कभी एक पहिया किसी खड्डे में गिर जाए तो गाड़ी तब तक नहीं चल सकती जब तक एक पहिया गाड़ी का सारा बोझ अपने कंधे पर लेकर दूसरे पहिए को खड्डे से नहीं निकालता। इसके लिए जो कष्ट उसे सहना पड़ता है वो उसकी कमजोरी नहीं ताकत होता है, और भगवान ने औरत को वो ताकत आदमी से कहीं ज्यादा दी है। इसीलिए हम भारतवासी औरत को इतना मान देते हैं कि भगवान से पहले हम उसका नाम लेते हैं। राम सीता या श्याम राधे नहीं बोलते, सीता राम और राधे श्याम बोलते हैं। औरत शक्ति भी है और सहन शक्ति भी। वो राक्षसों का नाश करने के लिए हाथ में तलवार पकड़ने वाली रणचंडी भी है, और अपने तप और पतिव्रत धर्म से अपने पति को यमराज से वापस लाने वाली सावित्री भी। हमारी कहानी ऐसी ही दो औरतों की कहानी है। राम को तो बनवास मिला था, सीता ने बनवास लिया, यही हमारी मर्यादा है, यही हमारी परंपरा। सहन किशे तो नाम अमर है, अपने देश की नारी का। सबको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि राय साहब कैलाश पुअर स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए 2 लाख की डोनेशन दी है, और अब पेश है कि सुपुत्री मिस रेखा द्वारा तैयार की गई एक संगीत नाटिका। Thank you.
बैंक जा, तब तक मैं टेलर के पास होके आता हूं। करके चुपचाप गाड़ी में बैठे रहो, अगर चिल्लाने की कोशिश की तो गोली छोड़ा दूंगा। अरे रोको, पकड़ो उसे, रोको उसे भाई। क्या हुआ? मेरी बेटी उसको बदमाश बना के ले गया। आप घबराइए मत, मैं देखता हूं। कैसे? Thank you.
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसमें शुक्रिया क्या बात है। अच्छा नमस्ते। अरे आपके हाथ से तो खून बह रहा है। अगर आज आप वक्त पर ना आते तो। मैं नहीं आता तो भगवान किसी और को भेज देता। उसे आपकी इज्जत बचानी थी, सो बच गई। वाह कितने अच्छे विचार हैं आपके। आपका नाम क्या है? जी विजय। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। देखो बेटी अभी भी नेक इंसान दुनिया में है। विजय तुम? ओ तो ये आपके घर से चुरा के ले जा रहा था वो चोर। हाँ देख लीजिए सब कुछ ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। अजीब इत्तेफाक है, हर बार तुम ही हमारी मदद के लिए आते हो। जानते हो ये हमारे खानदानी जेवर हैं। समझ में नहीं आता किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। जी शुक्रिया तो वक्त तक कीजिए। जिसने मेरी मोटरसाइकिल खराब कर दी और मैंने चोर चोर सुन लिया, आपके काम आ गया। ये मेरी खुशकिस्मती है। जीते रहो बेटे। देखो मेरा बंगला पास ही में है। चिरंजीव किसी दिन मेरे साथ चाय पीने आ सको तो बहुत खुशी होगी। बेटी। जी पिताजी। कल से मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा हूँ। क्या पिताजी? मेरे लिए इस दुनिया में तेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। बेटा बेटी जो कुछ भी है तू ही है। मैं चाहता हूँ अब मैं भी तेरे हाथ पीले कर दूँ। पिताजी मैं विजय के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ बेटी, वो लड़का तुम्हें पसंद है? मालिक आपसे मिलने कोई विजय साहब आए हैं। अरे बुलाओ बुलाओ। हाँ जी। अरे आओ विजय, बाहर क्यों खड़े हो? जीते रहो, बहुत बड़ी उम्र है तुम्हारी। आओ आ जाओ। नमस्ते। नमस्ते। देखो बेटे विजय के लिए चाय बना के लाओ। आओ बेटे। इत्तेफाक से अभी हम तुम्हारी बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा ये बताओ करते क्या हो? जी रामनगर में एक छोटी सी फैक्ट्री है, बिजनेस के सिलसिले में ही यहाँ आया था। ओह गुड वेरी गुड। घर में और कौन कौन है? जी माँ है और एक छोटी बहन है। पिताजी का साया सर पे नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि तुमने अभी तक शादी नहीं की? जी नहीं जी नहीं, दरअसल मैं पहले अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ। शादी शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यू नो। क्यों नहीं क्यों नहीं, लेकिन हर काम वक्त पर हो तो अच्छा होता है। देखो बेटे देखा मेरी इकलौती बेटी है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, गुणवान है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा से इतना है कि अगर तुम दोनों हाथों से भी खर्च करोगे तो खत्म नहीं होगा। पर लड़का सिर्फ मुझे तुम जैसा शरीफ परोपकारी अपनी जिम्मेदारी समझने वाला और खानदानी चाहिए। आप तो खामखा मेरी बड़ाई करें। तो मैं समझ लूं कि तुम शादी के लिए राजी हो? इस बात का फैसला तो मेरी माताजी ही कर सकती हैं। ये लीजिए आ गई हमारी रानी बिटिया। आओ बेटी आओ इनसे मिलो, ये हैं विजय की माताजी। नमस्ते। इसका मतलब आपकी तरफ से हाँ है? अरे राय साहब आप क्या कह रहे हैं,
हमारे बेटे को तो पिछले जन्मों का कोई पुण्य मिल गया है इसमें। वैसे मैं उसकी सौतेली माँ हूँ और ये मेरी बेटी है, उसकी सौतेली बहन, लेकिन उसने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया। बड़ा नहीं करता है बहन जी। बस भाई साहब, अब तो ये जितनी जल्दी आकर हमारा घर पवित्र कर दे उतना ही अच्छा। चलिए इसी बात पर फिर मुंह मीठा कीजिए, लीजिए। जी नहीं, पहले मेरी बहू। लो बेटी खाओ। राज साहब की बदौलत अब जिंदगी में इतना मुंह मीठा होगा कि रोज शाम को थोड़ा सा कड़वा करने में मजा आ जाएगा। चीयर्स। चीयर्स जी, चीयर्स। तुम्हारे करोड़पति बनने की मुबारक और मेरे लखपति बनने की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शादी के दूसरे दिन तेरी पंत फैक्ट्री चालू। अरे वाह। मेरा ख्याल भी रखना देवर जी, हमारा साथ बहुत पुराना है, क्यों पति देव? अरे मेरी बिन ब्याही बीवी, साथ उधर कम इधर ज्यादा है, जरा लेफ्ट टर्न छोड़कर राइट टर्न मार, फिर समझ तू हो गई माला माल। या घनश्याम, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? इतना बड़ा आदमी, इतना अमीर आदमी, इतनी आसानी से कैसे उल्लू बन गया? अरे आसानी से मत बोल यार, इसके लिए हमने कितना लेफ्ट टर्न राइट टर्न मारा है जरा वो तो सोच। कौन सा प्रकाश जी, वो अपने पूना आश्रम वाले? जी हाँ जी हाँ, ये उन्हीं के सुपुत्र हैं और मेरे चचेरे भाई। मगर एक बात है जो मैं पहले से तय कर लेना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की कोई मांग है। ना ना ना, दहेज का तो नाम ही न लीजिए विजय के सामने। दहेज की बात करके आपने मेरी शादी नहीं करूँगा। चलो नहीं नहीं बेटा, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैंने तो रीति रिवाज की बात की थी। तो मंगलवार के दिन हम लोग बारात लेकर आ रहे हैं। अवश्य अवश्य पधारिए, स्वागत है। हाँ जी लाइए 300 रुपया। 300 रुपया, 300 रुपया, 1 2 3 ये लो भैया। बराबर बराबर। कृपा राम जी। हाँ भैया। दूल्हे के भाई और भाभी आए हैं। क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? जी वो हमारी फैक्ट्री में इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ गया है। नहीं छापे की कोई बात नहीं है, इनकम टैक्स तो सब दिया हुआ है। तो मगर वो लोग मेरे भाई को नहीं छोड़ रहे। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आपने उनसे कहा नहीं कि आज आपके भाई की शादी है? मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, फिर सिर्फ इशारों से पैसे मांगते हैं। ओ समझा। आप बैठिए, मैं अभी आया। जी ये लीजिए, 20,000 है, काफी होंगे ना? जी काफी हैं, धन्यवाद। कृपाराम जी कहाँ है? कृपाराम जी क्या हुआ? सैगल साहब बारात का क्या हुआ? कृपाराम जी हमारे साथ धोखा हुआ। क्या हो गया? उस घर में तो ताला लगा हुआ। ओ, नहीं जी, मैंने पूछताछ की तो पता चला कि वो लोग सारा सामान लेकर आज सुबह ही मकान खाली करके चले गए। यार घनश्याम, बड़ा हाथ मारने का सोचा तो था, लेकिन एक करोड़पति अपने जाल में आप फंसेगा इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे अब तो सब उम्मीदें पूरी हो गई है, अब तो बस उसी दिन का इंतजार है जिस दिन तेरा वो तू 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 तू। आज तेरी माँ होती तो पता नहीं तुझे क्या क्या सीख देती।
मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज से तेरा ससुराली तेरा घर है। वहां जाकर कभी कभी अपने मायके का मान नहीं करना, कभी इस घर का बड़प्पन नहीं जताना। इतना मन लगाना, इतना मन लगाना वहां कि तुझे कि तुझे तुझे तेरा मायका भूल जाए। पिताजी मां और अपनी ननद को बहन समझना, यही तेरा धर्म है। देख बेटी, पतिव्रता स्त्री वही है जो जन्म मृत्यु दोनों में अपने पति के साथ ब्याही जाए। तू अपने पति का आधा अंग है, उसका सुख तेरा सुख है, उसका दुख तेरा दुख है, उसका सुख तेरा सुख है, उसका दुख तेरा दुख है। दुख में कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ना, हमेशा याद रखना सीता ने राम का कैसे साथ दिया था। और सौ बात की एक बात यह है बेटी कि तेरा पति पति नहीं बल्कि परमेश्वर जैसा है, तेरा पति पति नहीं बल्कि परमेश्वर जैसा है। भाभी ने सोचा कि भैया आ गए। हाँ, इसका मन तो अपने पति की तरफ ही होगा, बेचारे इंतजार कर रही होगी। आ जाएगा बहू, जरा दोस्तों के साथ है, तुम आराम से बैठो। हाँ आराम से। माँ देखो तो, भाभी जेवरों से लदी ऐसी नहीं लग रही जैसे सुनार की दुकान पर सजा कर रखी हुई कोई गुड़िया हो। हाँ जेवर तो बहुत भारी है। बहू एक काम करो, इन्हें उतार कर मुझे दे दो, मैं संभाल के रख दूंगी। हाँ जी हाँ, हाँ, हाँ भाभी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे इतना बोझ बदन पर रखकर तुम्हें नींद भी नहीं आएगी। हाँ। माँ को दे दो, माँ आराम से तिजोरी में रख देंगी। हाँ। फिर चोरी का भी डर नहीं। हाँ। हाँ। नहीं आज की रात रहने दीजिए। क्यों, विजय को दिखाने हैं क्या? अरे भाभी, भैया का सबसे खूबसूरत और कीमती जेवर तो तुम हो। लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हाँ मैं नहीं। देखो बहू, एक बात ध्यान से सुन लो। बहू तुम इस घर की बेशक हो, लेकिन यह हुक्म तुम्हारी सास का चलता है और माँ के बाद मेरा। बंधन में शायद ऐसा ही होता है, दुल्हन का स...
संसार नया हो, दुल्हन का संसार नया हो, दुल्हन का संसार नया। अरे वाह, देखो तो कितना अच्छा नेकलेस है। क्या बात है माँ? ये ले बेटा, संभाल अपनी बहू के जेवर। अरे मैं इतनी जल्दी क्या थी? भैया ऐसे कामों में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, इससे पहले कि वो अपनी बाप की दौलत का रब जमाए, हमने उसे बता दिया है इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। भैया आज के बाद वो कभी भी हमारे सामने सर उठा के बात नहीं कर सकेगी, हम उसे अपनी एड़ी के नीचे रखेंगे। एक तरह से तुम लोगों ने अच्छा ही किया माँ, जो रुपया राय साहब से मुझे शादी में मिला है कुछ तो फैक्ट्री में लग जाएगा और कुछ कर्ज उतारने में, तो जब तक ससुराल से और माल नहीं आ जाता तब तक यही सही। माँ ये तुम्हारे लिए, रूपा ये आप रख लीजिए। थैंक यू भैया, मैं बाहर दोस्तों के साथ बैठा हूँ। ये दोस्त भगवान के हाथों तराशा हुआ एक हीरा चमक रहा है, बल्कि यूं समझ कि जवानी के जाम में हुस्न की शराब लबालब भरी हुई है। अच्छा? अरे ऐसी गजब की मुजरे वाली आई है शहर में कि तू देखेगा तो तेरा दिल मुजरा करने लग पड़ेगा। चल मेरे साथ। सुन सुन सुन, पागल हो गया क्या? क्यों, आज मेरी सुहागरात है। पागल तो तू हो गया, अबे जब बीवी घर में है तो सुहागरात तो हर रात को मनाई जा सकती है। लेकिन मैंने सुना है कि ताराबाई किसी शहर में कुछ दिनों से ज्यादा नहीं रुकती। ताराबाई? कौन ताराबाई? नहीं नहीं आ
रात ही गुजारनी है क्या? तू जा। इस पल का कब से इंतजार था मुझे? मुझे पता चल चुका था कि मुजरा ही तेरी कमजोरी है, इसलिए मैं मुजरे वाली बनी। मुझे उम्मीद थी कि किसी ना किसी शहर में, किसी ना किसी कोठे पे तू मुझे जरूर मिल जाएगा। आज तुझे देखकर वो मनहूस दिन मेरी आंखों के सामने आ गया, जब तू मेरे बाबूजी से मेरी शादी की बात करने आया था। दुर्गा वो देख, तेरे बाबूजी के दाएं ओर बैठे हैं। है ना कितनी खूबसूरत जोड़ी। मुझे आपसे भी ज्यादा जल्दी है, बस इसी हफ्ते शादी का प्रबंध कर लेता जी। दुर्गा बेटी, तू बहुत भाग्य वाली है जो मुझे से गरीब आदमी की बेटी को इतना सुशील, इतना नेक और इतने ऊंचे घराने का लड़का मिल गया। जितना तन से सुंदर है ना, उतना ही मन से भी। तूने देखा है उसे? इसने उन्हें देखा है चाचा जी। अच्छा हाँ। 25,000। वो क्या है कि अचानक इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ गया है। इनकम टैक्स? ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, आजकल तो शरीफ से शरीफ आदमी के घर पे भी छापे पड़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ चिंता की बात यह है कि आपकी बेटी की शादी रुक जाएगी। क्या? तो 10-15 हजार का तो इंतजाम कर दीजिए ना, राइट एंड लेफ्ट मार के मैं कोई ना कोई चक्कर चलाकर शादी तक की मोहलत ले लूंगा। देखिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये शादी भी मैं अपना मकान गिरवी रख के कर रहा हूँ। तो फिर ये बारात नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं आप? ये बारात नहीं आएगी। नहीं, मेरी बारात आएगी, मेरी बेटी की बारात आएगी, बारात नहीं आएगी, मेरी बेटी। तेरे ससुराल से कोई आया था, रुपए मांग रहा था, बोलकर चला गया ये शादी नहीं होगी। तेरे बाबूजी पागलों की तरफ के पीछे पीछे दौड़ते हुए गए। बाबूजी, बाबूजी, अरे दुर्गा, 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 मेरी दुर्गा की बारात आएगी। रुक जाओ, रुक जाओ। ललन मियां जरा देखो तो सही कौन पड़ा हुआ है। अरे ये तो बेहोश हो गई है। पैसे के लिए ना जाने तूने मुझ जैसी कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी, कितने खानदानों को बर्बाद कर दिया होगा। अब मैं तुझे तरपा तरपा कर बर्बाद कर दूंगी। तू मुझसे बच नहीं सकेगा विजय, मुझसे बच नहीं सकेगा। मुजरा खत्म हो गया हुजूर, रोशनियां बुझ चुकी हैं। मगर मेरी प्यास नहीं बुझी। लगता है आप मोहब्बत के सफर पर चल पड़े हैं। सफर तो यहां आकर खत्म हो गया, अब तो मंजिल सामने है। ये फासले बहुत लंबे हैं हुजूर। मैं दौलत के पुल से ये फासला कम कर लूंगा। फासला कितना कम कर लेंगे ये तो दौलत ही फैसला करेगी।
फिर हमें कल शाम तक की मोहलत दीजिए। हमारी आंखें बेसब्री से आपका इंतजार करेंगी। शब बख़ैर। सोने दे इसे, बेचारा रात भर काम करके थका आ रहा है फैक्ट्री से। तुम चलो, दिखाई नहीं देता दिन निकल आया है। चलो गृहस्थी संभालो। जी लाइए। क्या लाइए? जी चाबियां। अच्छा, घर की चाबियां तुझे दे दूं? घर में कदम रखते ही घर की मालकिन बनना चाहती हो क्या? चल हाथ मुंह धो, रसोई घर में जा। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? यहाँ कोई राज करने नहीं आई हो समझी? साफ सफाई, चूल्हा चौका, कपड़े बर्तन सब काम तुम्हें करने हैं। बहुत काम कर लिया हमने, अब हमारे आराम करने के दिन है और तुम्हारे काम करने के, समझी? चलो माँ। अरे बीबी जी, ये क्या कर रही हैं आप? ये आपका काम नहीं है, आप बैठिए, मैं लेके आता हूं। दफा कहा है कि उस पहलवान की बेटी को छोड़कर किसी और पे डोरे डाल? नहीं नहीं साहब जी, नहीं, मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ सुंदरी से, एकदम सच्ची मोहब्बत। शादी करूंगा तो सुंदरी से करूंगा, नहीं तो कभी नहीं करूंगा, चाहे उसका बाप मेरी जितनी मर्जी पिटाई कर ले। ये बात है तो ठीक है, मैं अभी तेरे साथ हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप भी सुंदरी से ही मोहब्बत करेंगे खटिया बिछाकर? पागल बे, मुझे खटिया बिछाने की क्या जरूरत है? मेरा काम तो राइट टर्न लेफ्ट टर्न चलता ही रहता है। मैं तेरे साथ हूँ कहने का मतलब है कि मैं तेरी शादी सुंदरी से करवा दूंगा। आप सच कर रहे हो सेठ जी? हाँ, अच्छा तू ये काम कर सकता, तू सुंदरी को किसी तरीके से घर से उठाकर ला सकता लेफ्ट टर्न मार के? सेठ जी आप मुझे छुट्टी दो, मैं अभी जाकर अभी गया तो फिर एक काम में देरी क्या है, जल्दी जा लेफ्ट टर्न मार के, मैं तेरा राइट टर्न मरवा दूंगा। तो अभी जा, कपड़े उतार, जल्दी जा। ओ कपड़े मत उतारियो, कपड़े बदल के जाइयो, भरोसा भी नहीं है इसका। आज ये करती है, बचा के चल आजा। लेकिन दरवाजा तो उधर है।
अगर तेरे बापू ने दरवाजे की आवाज सुन ली ना तो मेरी आवाज हमेशा के लिए बंद कर देगा खटिया बजा के। आजा। लेकिन इधर से कैसे? तू जा अंदर से चादर लेके आ, बताता हूँ तेरे को, जा। चल आजा मेरे कंधे पे। कंधे पे? हाँ आजा 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 जल्दी कर, हम दोनों यहाँ से फरार हो जाएंगे। इतनी जल्दी जमीन आ गई? गद्देदार ये क्या है भाई? बापू बापू नहीं 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 आजा दो बस कर, बस कर बापू, बस कर। आजा फिर से सुंदरी बापू, हट जा तू, बापू नहीं, हट जा तू, बस बहुत हो गया बापू। आजा बच्चू, बापू मेरा हवाई जहाज बनाएगा, देख लूंगा तेरी तलवारी बुला लूंगा, देख लूंगा। तो तूने जिंदगी में लेफ्ट टर्न मार ही दिया। पता नहीं मुझे तो राइट लेफ्ट हर टर्न पे तारा ही तारा नजर आती है। अरे ये कोठे के तारे रात को ही खूबसूरत लगते हैं प्यारे, आग खुलने पर सपना खत्म। घनश्याम मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी आंखें सिर्फ तारा के लिए और तारा है मेरी आंखों के लिए। ये तारा ने क्या तारे दिखा दिए इसे? मैं आपके बुढ़ापे के सहारे के लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूं, 2 लाख है। 2 लाख? हाँ आपके लिए। मेरे लिए? तारा, तारा तेरी किस्मत खुल गई। बड़े मौके पे आए हैं आप। मौका तो मुझे चाहिए तुम्हारे करीब आने का। ये लो चाबी। तुम इस गंदे माहौल में रहने के लिए नहीं हो, मैंने तुम्हारे लिए एक नया घर खरीदा है। कल से हुस्न पोषण करेगा। समझ में नहीं आता क्या करूं। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हैं? कोई चारा नहीं, फैक्ट्री गिरवी रखनी ही पड़ेगी। क्यों? अचानक 2 लाख की जरूरत पड़ गई। फैक्ट्री के लिए कुछ नई मशीनों का ऑर्डर दिया था मगर कमबख्त बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया। पहले भी 1 लाख रुपए कर्ज लेकर कंपनी को एडवांस भेजा था, अब मशीनें आएंगी और न कर्ज चुकाने के लिए मेरे पास पैसे हैं ना मशीनें खरीदने के लिए। मगर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं, क्या मैं आपसे अलग हूँ? और सिर्फ 2 लाख ही तो बात है, आप मेरे पिताजी को लिख दीजिए। नहीं नहीं, वो सोचेंगे मैंने उनकी दौलत के लिए तुमसे शादी की है। नहीं नहीं, मेरे पिताजी ऐसे नहीं है, वो तो आपको अपना बेटा मान चुके हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं उनसे पैसे मंगवा लेती हूँ। हाँ ऐसा आप कह रहे थे वो कि बहुत पैसा है, दोनों हाथों से लुटाओगे तो भी खत्म नहीं होगा। आप कौन सा लुटाने के लिए मांग रहे हैं, बिजनेस के लिए तो जरूरत है। हाँ बिजनेस के लिए तो मैं अभी खत लिख देती हूँ उन्हें। अच्छा ऐसा करो, जब चिट्ठी लिखी रही हो तो ये भी लिख देना कि ड्राफ्ट मेरे ही नाम पर भेज दें, क्या बाद में खमखा तकलीफ।
तिजोरी में रखे हैं। क्या कहा? तुम्हारा जेवर मैंने तिजोरी में रख दिया है। कब? रूपा और रूपा। क्या है माँ? जरा सुन तो। बहू क्या कह रही है? इसके जेवर तुमने तिजोरी में रख दिए हैं। हाय भाभी, ये क्या कह रही हो? तब्बा तब्बा, मेरे हाथ नहीं टूट जाए जो तुम्हारा एक भी जेवर मैंने छुआ हो ना? क्या? आप दोनों ने मिलकर ही तो उतारे थे मेरे बदन से। क्या? हमारे बेटे के सामने लोग तो अपनी बेटियों के लिए क्या क्या नहीं करते, और इसका बाप 2 लाख तक नहीं बेच सकता। और वैसे तो बोलता था कि मेरी एक ही बेटी है, जो कुछ है उसका है, उसके पति का है। क्या खाक है, मरते वक्त सब छाती पे बांध के ले जाएगा। भगवान, अब तो इस घर में पूजा पाठ भी नहीं हो सकता। मैं तो जाती हूँ मंदिर। मैं भी चलती हूँ माँ। रेखा, आप ही का नाम है जी? ये रजिस्टर्ड लेटर है, साइन कर दीजिए। थैंक यू पिताजी, अब उनकी चिंता दूर हो जाएगी। उन्हें फैक्ट्री नहीं बेचनी पड़ेगी। मैं अभी जाकर उन्हें ये ड्राफ्ट दे आती हूं। सुनो, विजय साहब हैं? जी हाँ, अंदर हैं। अरे तू वाकई बहुत खुशकिस्मत है यार, वरना इतनी खूबसूरत और दिल से चाहने वाली औरत अरे किसे नसीब होती है यार। यार वो चेहरे से ही नहीं, दिल से भी हसीन है, इसीलिए तो मेरे दिल की जबान पर हमेशा एक ही नाम रहता है, तारा तारा। लेकिन एक बात है यार, तुमने कभी सोचा कि अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया? कैसे पता चलेगा, उसने मुझसे पूछा था। हाँ फिर? फैक्ट्री रात में क्यों जाते हो? मैंने कहा बिजली की कटौती है, करंट रात में ही मिलता है।
फौरन मान गई। अरे मान नहीं ना। कुछ भी कहो यार, तारा का जवाब नहीं। उसे देखते ही वो शेर याद आ जाता है। उफ, वो मरमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले उसे ताजमहल कहते हैं। ताजमहल कहते हैं। वाह मेरे शाहजहां, वाह 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 वाह। ऐसा है कि मकान तो तूने ले दिया, उसे अब छोटा सा ताजमहल भी बनवाई डाल। जिंदगी रही तो जरूर, वरना ख्वाहिश एक ही है कि मौत उसकी बाहों में ही हो। इतना बड़ा विश्वासघात, वो किसी दूसरी औरत को चाहते थे तो मेरे साथ शादी क्यों की? क्यों की मुझसे शादी? ये बेवफाई मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बर्दाश्त नहीं करेगी तो क्या करेगी? अगर उन्होंने उस औरत को नहीं छोड़ा तो मैं उन्हें छोड़ दूंगी। क्या तू तलाक लेगी? तलाक लेगी तू? तू तलाक लेगी? तलाक लेगी तू? तलाक 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 तलाक। मैं एक प्रगतिशील औरत हूँ, अगर मेरे पति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो कानून ने मुझे तलाक लेने का अधिकार दिया है। बेशक दिया है, मगर शादी के बाद तू पत्नी है और तेरा पतिव्रत धर्म तुझे। मैं उस धर्म को मानने को तैयार नहीं जो औरत को आदमी के बराबर न समझे। बराबर क्या, हमारा धर्म तो औरत को आदमी से कहीं ज्यादा इज्जत देता है। और क्यों नहीं, औरत जननी है, वो आदमी को जन्म देती है, इसीलिए वो पूज्य है। हमारे देश के लाखों देवी मंदिर इस बात के साक्षी हैं कि यहाँ औरत की पूजा होती है। पूजा होती है सिर्फ मंदिरों में, घरों में नहीं, सिर्फ माँ के रूप में, पत्नी के रूप में नहीं। पत्नी ही तो माँ बनती है, मगर मुझे अपने पति से पत्नी का अधिकार चाहिए। मैं कमजोर औरत नहीं हूँ, मैं अपने पति का कोई अन्याय नहीं सहूंगी। चुपचाप अन्याय सहना कमजोरी है, मगर अन्याय करने वाले को चेतावनी देकर, मुकाबले की घोषणा करके, मन की दृढ़ता से मगर अहिंसा से उसके अन्याय का अंत देखना कमजोरी नहीं, शक्ति है। शक्ति? शक्ति कैसे हुई? औरत की तुलना धरती से क्यों की जाती है? इसलिए कि औरत में भी वही गुण है जो धरती में है। धरती क्या कुछ नहीं सहती, हल कुदाल भूकंप बड़े बड़े विस्फोटों से कितना छलनी होता है उसका दिल, मगर वो कभी विद्रोह नहीं करती, कभी तलाक नहीं लेती। वो तो इंसान को जीवन के सारे खाद्य पदार्थ देती है। धरती पर इतना अन्याय करने के बाद भी इंसान को जीने के लिए, पलने के लिए, यहां तक कि मरने के लिए भी धरती की गोद चाहिए। यही धरती की जीत है। तुझे भी जीतना है, अपने भटके हुए पति को सही रास्ते पर लाना है। मगर ये जानते हुए कि वो दूसरी औरत को चाहते हैं, मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये घर शादी के बाद तेरा घर है, तू अपने इस अधिकार को छोड़कर चली गई तो ये घर टूट जाएगा। औरत घर जोड़ती है, घर तोड़ती नहीं। अपने आत्मबल और सहन शक्ति पर विश्वास रखेगी तो एक दिन तेरा पति निश्चय ही तेरे पास क्षमा मांगने आएगा, और वो दिन तेरी जीत का दिन होगा। वो दिन तेरी जीत का दिन होगा। वो दिन तेरी जीत का दिन होगा।
ये क्या है? पिताजी ने आपके लिए ये ड्राफ्ट भेजा है। तो पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने लिखा है और रुपये चाहिए तो वो और भेज देंगे। अच्छा, नहीं फिलहाल तो यही काफी है, और जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बोल दूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूं। कहां जा रहे हैं? ये ड्राफ्ट कैश करवाने। रात को कोई बैंक नहीं खुलता, आप सुबह कैश करवा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन फैक्ट्री तो जाना पड़ेगा ना। सुनिए, आप मेरी एक बात मानेंगे? क्या? आप कोई दूसरा बिजनेस कर लीजिए। क्यों? जिस बिजनेस में नुकसान ही नुकसान हो उसका क्या फायदा? फायदा भी होगा। सुनिए, अब क्या है बोलो। मैं शिकायत नहीं कर रही, मगर जब से शादी हुई है मैं इस घर से बाहर नहीं निकली। मैं भी आपके साथ चलूं? कहाँ? फैक्ट्री? नहीं नहीं, मुझे लगता है मैं आपको अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप हमेशा मुझसे दूर दूर रहते हैं। अगर मुझ में कोई कमी है तो मुझे बताइए, मैं अपने आप को आपके लायक बनाऊंगी। आप जो चाहते हैं मैं वही करूंगी। तुम जो कर रही हो ठीक कर रही हो। बीती बातों को इतना सोचा नहीं करते यार, छोड़ना। हाँ, सोचने के दिन खत्म हो गए पतिदेव। मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाई हूँ, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? बोलो, कब शादी कर रहे हैं हम? मैंने तुझे क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया था कि मैं तुझसे शादी करूंगा, और फिर क्या गारंटी है कि बच्चा मेरा ही? शट अप, फिर कभी ऐसी बात बोली तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूं। जा जा जा, जो मर्जी आए कर ले, मगर मैं तुझसे शादी नहीं करने वाला, समझी? ठीक है, तुम अपनी जिम्मेदारी से मुकर सकते हो, लेकिन मैं इस बच्चे को पालूंगी, लेकिन इसका खर्चा तुम्हें देना होगा। वाह 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 वाह, तूने क्या समझ रखा है? इस फैक्ट्री में नोट छपते हैं क्या? क्यों नहीं छपते? विजय की अमीर ससुराल जो है ये अगर तुम्हें ये फैक्ट्री दे सकता है तो मुझे 1,00,000 रुपए नहीं दे सकता? देखो बर्क, शादी के बाद मैंने घनश्याम को फैक्ट्री के लिए पैसे दिए तो तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा दे दिया था। आज अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हें और पैसे दूं तो सॉरी, मैं तुम्हें एक नया पैसा नहीं दूं। बिल्कुल, और मुझसे भी किसी तरीके की कोई भी उम्मीद मत रखना। अब खड़ी क्या हो, जाओ, हम पहले एक उलझन में फंसे हुए। उलझन में तो अब मैं डालूंगी तुम दोनों। पता नहीं बेचारी कैसे दिन काट रही है। ऐसा नहीं हो सकता, अगर मेरी बेटी वहां खुश नहीं है तो वो उस घर में नहीं रहेगी। पिताजी आप? जीते रहो। आइए ना पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। हाँ सच, आपका ड्राफ्ट वक्त पर मिल गया था, ये कितने खुश हुए पूछे मत, रोज आपकी तारीफ करते हैं। मेरी नहीं, मेरे पैसे की तारीफ करता है। जी? घर पर नहीं? वो हमेशा फैक्ट्री से लेट ही आते हैं, आप बैठिए ना। तेरी सास और ननद कहाँ है? माजी ननद को साथ लेकर अपनी बहन से मिलने गई है, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सुन जी, घर पर कोई नौकर चाकर भी नहीं? जी ये तो बहुत जिद कर रहे थे कि नौकरों को मत निकालो, पर मैंने कहा मैं सारा दिन हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती, और अब तो सारा काम जब तक मैं अपने हाथों से नहीं करती तसल्ली नहीं होती। अच्छा इधर बैठ, यहां आकर तू झूठ भी बोलने लगी है, मुझे सब पता चल चुका है, वो तेरी बिल्कुल परवाह नहीं करता, पर आजकल एक नाचने वाली के चक्कर में पड़ा हुआ है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक है आपने। राय साहब, राय साहब वो चक्कर है ही इतना खूबसूरत, आंखें बंद करो तो सुरमाई अंधेरे, खोलो तो चंपाई उजाले, अंधेरों से उजाले, उजालों से अंधेरे। बेटी
तू जरा अंदर जा, मुझे इससे बात करनी है। पिताजी इस वक्त क्या बात करेंगे ये? मैं जानता हूँ कि ये नशे में है। क्या क्या कहा? मैं नशे में हूँ? मैं जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो विजय। तुमने झूठ बोलकर तरह तरह के नाटक रचकर धोखा देकर मेरी बेटी से शादी कर तो ली, लेकिन अब अगर तुम उसकी खुशियां छीनने की कोशिश करोगे या उसके साथ बेवफाई करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आप मुझे धमकी देने आए? साथ ही साथ समझाने भी आया हूं। एक बात याद रखना विजय, पत्नी का दर्जा इस दुनिया में कोई दूसरी औरत नहीं ले सकती। रही नाचने वालियां, वो किसी आदमी की नहीं होती, पैसे की होती, सिर्फ पैसे की। आए होते होंगे जो होते होंगे, नाम मेरी है, वो सब मेरे घुंघरू बांधती है। और उन घुंघरों की चंकार, उन घुंघरों की चंकार तुझे तभी तक सुनाई दे रही है जब तक मेरे भीख में दिए हुए पैसे तुझे मिल रहे हैं। आज से न वो भीख मिलेगी और न ही वो तेरे लिए नाचेगी। नाचेगी वो, नाचेगी, और वो सिर्फ मेरे लिए नाचेगी, चाहे उसके लिए तुम्हारी बेटी को भरे बाजार नाचना पड़े। नहीं, 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 छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, वो नशे में है पिताजी। नहीं, 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 छोड़ दीजिए मुझे, नहीं, मेरे इसके बीच में मत आ बेटी, जा, पिताजी, जा, पिताजी, पिताजी, तूने मुझे मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मुझे जान से मार रहा हूँ मैं, तेरे बेटी का सब कुछ चाहिए। बोल, बोल, बोल। मैं नहीं जानता था किस भोले चेले के पीछे चुप हुआ है। पिताजी, नहीं पिताजी, नहीं, पिताजी, छोड़ दीजिए उन्हें, नहीं, मैं जाएगा, मैं जान से मार डालूँगा, मैं जाएगा, तो, पिताजी, आपकी बेटी, इस वक्त मैं इस घर की बहू हूँ। तू नहीं जानती है शैतान? नहीं, क्या हो गया आपको पिताजी? अपनी दी हुई शिक्षा आप खुद ही भूल गए? याद कीजिए पिताजी, ये वही है मेरी शादी पर जिनके चरण धोए थे आपने, ये वही है पिताजी मेरी विदाई के वक्त जिनके लिए आपने मुझसे कहा था, बेटी इनका दुख तेरा दुख है, इनकी खुशी में ही तेरी खुशी है। आज से ये तेरा पति ही नहीं बल्कि परमेश्वर जैसा है, और आज आज आपने मेरे परमेश्वर को ही। चले जाइए यहां से, इससे पहले कि न चाहते हुए भी मुझसे आपका कोई निरादर हो जाए, चले जाइए यहां से। सुंदरी तुम अपने घर जाओ। कोई बात नहीं है, अब मैंने उसको समझाने का इंतजाम कर लिया है। क्या पहलवान सुच्चा सिंह? हम दिखाए कि कुश्ती नहीं लड़ते, जनता को धोखा देना सुच्चा सिंह ने नहीं सीखा। ये धोखा नहीं है सुच्चा सिंह जी, ये तो पुण्य का काम है, दो प्रेमियों का मिलन करवाना है। कुश्ती लड़के? जी हाँ। किससे? जी लड़की के बाप के साथ। पहलवान है क्या? अजी पहलवान, अजी वो तो अखाड़े का रुस्त में जमा है, ऐसा राइट टर्न लेफ्ट टर्न मारता है कि पूछिए मत। उसने सुच्चा सिंह का लेफ्ट राइट देखा नहीं है। हाँ समझे क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप उसे दिखा दीजिए, ऐसा राइट टर्न लेफ्ट टर्न मारिए कि नाम तक भूल जाए। अरे फिक्र मत करो, वो अपने आप को भूल जाएगा। अरे वाह, क्या बात है? मैं आपको पहले समझा तो दूं डिटेल्स में। समझाओ। सुनिए, बाप बनना है। अच्छा अच्छा, लड़की का बाप मैं हूँ? आप लड़के के बाप हैं, लड़की का बाप तो वो है। अच्छा इसका मतलब लड़का उसका है? हाँ, नहीं लड़का फिर आपका हुआ ना। भाई मैं पहलवान आदमी हूँ, ये सब बातें मेरे समझ में नहीं आती। हाँ तो ठीक है,
फिर मैं आपको याद दिला दूंगा। कैसे? ये सीटी जब भी आप भूलेंगे मैं ये बजा दूंगा। अच्छा अच्छा समझ गया, लड़की का बाप मैं हूँ। लड़के का बाप। उठिए चाय पीजिए। सुनिए आप ठीक तो है ना? तुम यहां क्या कर रहे हो? चलो डॉक्टर जाओ यहां से। अब खड़ी क्या जाती क्यों नहीं? मैं अरे रहने दे, ये सेवा भक्ति का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। पहले अपने पति की शिकायत करके अपने बाप को बुलवाती, फिर अपने पति को पिटवाती है। भगवान की स्वागत, मैंने उन्हें नहीं बुलाया, कोई शिकायत नहीं की उनसे। नहीं की है तो अब कर दे, लिख दो उसे कि मुझे उसके बेटी की कोई परवाह नहीं। मैं तारा को प्यार करता हूँ और करता रहूंगा, तू और तेरा बाप जो चाहे। तारा, बेशक मैंने अपनी जिंदगी में हसीन से हसीन चेहरे देखे, लेकिन किसी से इश्क करने को जी चाहा है तो वो सिर्फ तुम हो। अब तो हमें मगरूर बना देंगे। गुरूर भी तो हुस्न की शान है। हमारी शान तो आपकी मोहब्बत है, जिसे हम जी भर कर हासिल करना चाहते हैं। ऐसे नहीं, इतनी जल्दी नहीं, धीरे धीरे, हौले हौले। और इंतजार मत करवाओ। जो मजा इंतजार में है वो वसले यार में नहीं। मगर मेरे दिल वसले यार के लिए बेकरार है। आपकी बेकरारी जितनी बढ़ेगी उतनी ही हमारी कदर कीमत बढ़ेगी। मैं अपना सब कुछ लौटा दूंगा, सब कुछ, तुम सिर्फ मेरी हो जाओ। कद्रदानी का शुक्रिया। हम भी आपको प्यार के काबिल ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे जो आज तक हमने सबसे छिपा के रखी। क्या है वो? हमारे पास वो जलवे हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखे। वो अदाएं हैं जो किसी को नसीब नहीं हुई। मोहब्बत का चट्टा वो समंदर है जिसकी लहरों में इंसान तो क्या फरिश्ते भी डूब जाना चाहते हैं। तो फिर डूब जाने तो मुझे। हम आपको खोना नहीं चाहते, हम तो आपको एक अच्छा तैराक बनाना चाहते हैं ताकि आप डूब डूब कर उभरे। तो बनाओ ना। मगर धीरे धीरे, हौले हौले। ये तो जुल्म है। हम इसे लुत्फ कहते हैं और लुत्फ आता है धीरे धीरे, हौले हौले। अब आप मुंह मत लटकाइए, हम आपके पास हैं, हमें महसूस कीजिए। छूकर नहीं, तसव्वुर में हमारा ख्याल लाइए, अपने दिल में, दिमाग में। हमारे प्यार की शुरुआत यहीं से होगी। कल हम आपका इंतजार करेंगे। कल देखते हैं, कल तक हम आपको याद भी रहते हैं या नहीं। अब जाइए भी। मैं कहूँ आजकल दूध कहाँ गायब हो जाता है? बिल्ली से लाड लड़ा रही है क्यों? चले गेहूं नहीं साफ करना है क्या? आटा कौन पिसाएगा तेरा बाप? चल काम कर जल्दी से। Thank you.
मैगजीन हाथ में लिए बैठी है महारानी, काम कौन करेगा तेरा बाप? अभी तो पूरा घर साफ करना है, चल कट्ठा लगा। माथे पर एक बल ना पड़ा हो, माथे पर एक बल चुप रह कर हर कष्ट सहा, दिल की बात दबा ली दिल में, दिल की बात दबा ली दिल में, पलकों पीछे नीर छुपा, सहन की शक्ति ही जेवर है, सहन की शक्ति ही जेवर है, भारत देश की नारी का इसीलिए तो नाम अमर है, अपने देश की नारी का इसीलिए तो नाम अमर है, अपने देश की नारी का। मेरी बहन अगर बीमार ना होती तो ये घर तेरे हवाले करके एक दिन के लिए भी मैं ना जाती। ओ माँ, एक बार फिर सोच लो, क्या हमारे वहाँ जाना बहुत जरूरी है? तो समझती क्यों नहीं, अगर हम नहीं जाएंगे और मेरी बहन मर गई तो सारे रिश्तेदार जमीन जायदाद बेचकर खा जाएंगे। और अगर हमारे पीछे से इसने कुछ गड़बड़ कर दी तो? टैक्सी आ गई माँ, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। हाँ, चलो 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 बेटी चलो। सुनो भाभी, खबरदार, अगर हमारे खिलाफ भैया को कुछ बोला तो? मैं क्या बोलूंगी? हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, तू जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं। देखो, हमारी वापसी पर अगर मुझे पता चला कि तूने इस घर में महाभारत शुरू करने की कोशिश की है तो मुझसे। हाँ हाँ हाँ, चलो बेटे चलो। चलो माँ। ए पट्टे, उठ। आप कौन? मुझे नहीं पहचाना? हाँ। चल मेरे पांव छू। अरे भैया, हम तो सिर्फ अपने गुरु के पांव छूते हैं बस। मैं तेरा गुरु? तुम हमरे गुरु? तुम ऐसे नहीं पहचानोगे। अरे ये क्या हो गया, ये उल्टा कैसे हो गया? अरे क्या पहलवान तेरी। क्या घूमते घूमते तू क्या हो जाएगा, जल्दी से याद कर। याद कर सुखिया। बचपन में पहला दाव तुम ही ने सिखाया था, बराबर याद आ गया भैया। अच्छी यादाश्त है तेरी। अरे अच्छी हो गई। वचन याद कर। अरे ये नया वचन कहाँ से आ गया? और अरे भैया, 20 साल पहले मेरी बेटी और तेरे बेटी की शादी का वचन दिया था तूने। आपकी बेटी और हमारा बेटा? हाँ, तेरा बेटा। अरे मगर हमारा कोई बेटा है ही नहीं। याद कर। अरे अब बेटा कहाँ से याद करूं जब है ही नहीं। तेरा बेटा है। नहीं 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 नहीं, तेरी बेटी और मेरा बेटा। हाँ, हमारी बेटी है। अरे लेकिन हमने आपका बेटा देखा ही नहीं आज तक। अरे अभी बताता हूँ, ये देख ले। एक, दो, तीन, चार और पांच। अरे हमारी बेटी की द्रौपदी बनाना है का? नहीं, सीता सीता। फिर उसका राम कौन है? आपकी बेटी के लिए राम ये है। अरे फिर ये रामायण महाभारत में कहां मिक्स कर रहे हो? अरे कटिया बिछा के। ये आपका बेटा है? ये मेरा बेटा है। ये आपका बेटा है? याद लाओ। नहीं, याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। कटिया बिछा दी साले ने। कटिया बिछ गई। ओए सुबरी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक की जगह दो तो आ जा रहा है। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। अपने ससुर जी को देख के जरा घबरा गया है। तू डर मत बेटे, मैं जो हूँ तेरी शादी होकर रहेगी। जी ये बोल रही है। चुप बैठ। बोल, शादी करेगा नहीं? अरे छोड़िए मुझे, मेरी शादी हो गई है, मेरे दो बच्चे हो गए। बोलता है नहीं, बोल शादी करेगा नहीं? ये देखो, ये डॉक्टर है, ये देखो।
फिर मेरा बेटा किधर है? अजी वो पट्टियों में और वो तो होगा और कौन होगा? ये 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 मेरे बापू। हाँ यही तेरे बापू है। नहीं। हाँ हाँ यही तेरे बापू है, 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 यही मेरा बापू, 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 बेटे, जीते रहो। आप सुरक से कैसे आए? मेरी शादी करवाने सुंदरी से। नहीं, तेरी शादी करवाने सुंदरी से। तो कर ले खटिया बिछा के। सुंदरी तेरी मेरी शादी हो गई खटिया बिछा के। टमाटर कैसे दिए? 4 रुपए किलो। बेचारा भिखारी तो नहीं लगता है, पर है कोई जमाने का सताया हुआ। हो सकता है भूख के मारे चकरा गया हो और गिर गया हो, क्या पता। खैर ये तो दुनिया है यहाँ ये सब। अरे देखो तो सही, जिंदा भी है कि नहीं। तू चलना यार, मरने दे, अपना धंधा खराब होता है। इन्हें तो बहुत बुखार है। आप पहचानती है ना? पहचानती तो आप भी है, हम सबकी तरह इंसान है ये। अरे कौन है? पता नहीं, तेज बुखार के कारण बाजार में बेहोश पड़े थे, मैं यहाँ ले आई। ये तो क्या आप इन्हें जानते हैं? नहीं नहीं, इसे होश में आते ही बाहर भेज देना, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। वो मैं अपना लाइटर भूल गया था। और हाँ, जब मैं वापस आऊं तो ये आदमी मुझे यहां दोबारा नजर नहीं आना चाहिए, न इस घर में न आसपास कहीं। ओके जी। घनश्याम तुम फिर आ गई? हाँ, मैं ये पूछने आई हूँ कि तुम दोनों ने क्या सोचा, मुझे पैसे दे रहे हो या नहीं। ओ नींद से जागी हो क्या? अरे उस दिन तो बड़ा लेफ्ट टर्न मार के गई थी कि देख लूंगी तुम दोनों को, अब क्या हुआ? इसका मतलब है राय साहब ने कुछ नहीं किया। राय साहब? अपनी बेटी का सुख कहीं छीन ना जाए ये सोचकर डर गए, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। हाँ तो फिर रहो रास्ते पर। अब कैसी तबीयत है बाबा? ठीक है। जीती रहे बेटी, भगवान तुझे जीवन की सारी खुशियां दे। एक अनजान आदमी के लिए तेरे दिल में इतनी हमदर्दी देखकर फिर से इंसानियत पर विश्वास आने लगा है। कोई नजर नहीं आ रहा घर में, तू अकेली रहती है क्या? जी मेरी सास और ननद देहरादून गई है और मेरे पति काम। अरे ये तस्वीर ऐसे कैसे हो गई? बात है? ये तेरा पति है? जी। विजय बाबू का घर यही है ना? जी हाँ। तो मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं जो कुछ जानती हूँ वो सुनोगी तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। जी मैं कुछ समझी नहीं। समझदार होती तो विजय के जाल में ना फंसती। आप कहना क्या चाहती हैं?
यही कि तुम्हारा पति धोखेबाज है। पैसे के लालच में उसने तुम्हारे पिता को और तुमको बेवकूफ बनाया है और आजकल तारा नाम की एक मुजरे वाली का दीवाना बना हुआ है। आपको जो कुछ कहना था कह चुकी, यह और कुछ बाकी है। अब जा सकती है। इसका मतलब तुझे अपने पति के बारे में सब मालूम है? बेटी, अपनी सहन शक्ति को अपनी कमजोरी मत बनाओ। तेरे पति का कोई हक नहीं बनता कि तू जैसी देवी को छोड़कर तुझे देखकर यकीन हो गया कि औरत सचमुच धरती का दूसरा रूप है। कहा तू और कहा तेरा ये पति। भगवान तुझे सुखी रखे। लौट लीजिए, जी भर कर लूट लीजिए, नोच डालिए इस फूल की एक एक पत्ती, दबा डालिए हमारे पाक और पवित्र जज्बात का गला, डाल दीजिए हमारी जिंदा लाश पर अपनी हवस की चादर। नहीं तारा, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने होशवास को बैठा था, माफ कर दो मुझे। माफी तो अब हमें मांगनी होगी, गलती हमारी थी जो हम आपकी बातों में आकर अपनी असलियत भूल गए। हम कोठे वालों की जगह किसी के दिल में नहीं, कोठे पर ही होती है। हम जाते। तारा, 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 तुम नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। और मुझे तुम्हारी कसम, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम अपनी मर्जी से मेरी बनोगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। करवा चौथ के व्रत की महिमा कैसे भूले पतिव्रता, करवा चौथ के व्रत की महिमा कैसे भूले पतिव्रता। चंद्र तरस को चली है देखो, चंद्र तरस को चली है देखो, पूजा की थाली को सजा। यही कर्म है, यही धर्म है, यही कर्म है, यही धर्म है, भारत देश की नारी का इसीलिए तो नाम अमर है, अपने देश की नारी का। अच्छा वो आ गए, भगवान ने मेरी सुन ली। अरे क्या है ये सब, बढ़ाओ इसे। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। अरे तू किसे बेवकूफ बना रही है? मैं क्या समझता नहीं, तू इसीलिए ये व्रत रख रही है ना कि तारा मेरे ना हो सके? मैं तो अपने सुहाग की रक्षा के लिए। अरे ये सब त्रिया चरित्र मैं जानता हूँ, तू जो चाहे कर ले, जितना चाहे अपने भगवान के आगे माथा रगड़ ले, मैं तारा को अपनी बना के रहूंगा। तुझे अगर इस घर में नहीं रहना है तो बेशक चले जा। मैं आपको छोड़कर कहां जाऊंगी? मुझे तो इन्हीं चरणों में जीना है, इन्हीं चरणों में मरना है। मरने का तुझे इतना ही शौक है तो तेरा जो शौक आज मैं पूरा कर ही देता हूँ। मेरे तारा के बीच जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। दुष्ट पापी, पहचाना मुझे? लोगों के घर तबाह करके तेरा जी नहीं भरा? जो अपने घर की लक्ष्मी पर हाथ उठा रहा, एक नाचने वाली की खातिर अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है? अरे भगवान से डर? अरे मैं किसी भगवान भगवान से नहीं डरता। तब मेरे मैं उसके पास जाऊंगा, मुझे कोई रोक सकता? अगर मैंने जिंदगी में कोई पुण्य कमाए हैं और उसका कोई फल मिलता है तो उस फल के बदले में मेरी भगवान से ये दुआ है कि जिस तारा के लिए तू तड़प रहा है और इस सती को तड़पा रहा है,
उसकी चौखट को तेरे कदम पारी नहीं कर सकेंगे। ये मेरे दिल से निकली बद्दुआ है, एक दुखी पाप का श्राप है। श्राप? श्राप? महसूस हुआ? आओ डॉक्टर, मेरे पाँव में सेंसेशन। मेरे पाँव तो ठीक है ना? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? ठीक तो हो जाएंगे, मगर क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप चुप क्यों हो गए? बेटी, इनके दोनों पांव को लकवा मार गया है। ये चल पाएंगे? ये नामुमकिन है। मैंने तो सदा तेरी आराधना की है, कभी तेरी पूजा में कमी नहीं छोड़ी, फिर क्यों क्यों मेरे पति को कष्ट दे रहा है? सुन ले भगवान, आज मैं तेरे सामने ये व्रत ले रही हूं कि जब तक मेरे पति ठीक नहीं होते, एक अन्न का दाना नहीं छूंगी, एक बूंद पानी नहीं पीऊंगी और तुझे मेरे व्रत की लाज रखनी होगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ तारा, बहुत प्यार करता हूँ तारा, तारा। तारा की इतनी बड़ी कमजोरी बन गई है, इस हालत में भी ये उसके पास जाना चाहते हैं। मुझे इनकी बेबसी और लाचारी पर सचमुच तरस आता है, मगर मैं इन्हें दुखी देखना नहीं चाहती। आ,
ये तुम लाई हो? जी, आप इस पर बैठकर आराम से वहां पहुंच जाएंगे। मगर मुझे लेकर कौन जाएगा? मैं। ये खुद मुझे तारा के पास ले जाने को तैयार है। इतना बड़ा त्याग, तुम मुझे तारा के पास ले जाओगी? जी हाँ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आपकी खुशी वहाँ है तो आपको वहाँ तक ले जाना मेरा धर्म है। आइए। जहाँ पति का चित लगा है, धर्म की खातिर चली वहाँ, त्याग तपस्या की पाओगे ऐसी कोई मिसाल कहाँ। मान पति को परमेश्वर सब लाज के बंधन तोड़ चली, सावित्री अनुसूया सबको आज ये पीछे चली, सावित्री अनसुया सबको आज ये पीछे छोड़ चली। सहन की शक्ति ही जेवर है भारत देश की नारी का, इसीलिए तो नाम अमर है अपने देश की नारी का, इसीलिए तो नाम अमर है अपने देश की नारी का। रेखा, ये कौन है? ये मेरी नौकरानी है। मैं आपका बाहर इंतजार करती हूँ। शादीशुदा है जी, हम आपका इलाज करवाएंगे, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। इस हाल में भी आप हमें नहीं भूले, ये जानकर हम सचमुच बहुत खुश हुए। मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता तारा। टांगे तो क्या, मेरे सारे जिस्म को भी लकवा मार जाता तो भी मैं यहीं तुम्हारे सामने आकर दम तोड़ता तुम्हें देखते देखते। हम वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें आप जैसा चाहने वाला नसीब हुआ। बदनसीबी के जिन अंधेरों में तूने मुझे और मेरे बाबूजी को गुम कर दिया है, उसके बदले में ये सजा बहुत कम है। अंदर रंग महल में देखो, खुली हुई है मधुशाला, खेले अपना खेल वासना, चूमे प्याले को प्याला। बाहर द्वार पे पतिव्रता के दिल में बादल बरस रहा, लेकिन आंखों से आंसू का एक भी कतरा ना टपका, एक भी कतरा ना टपका। सहन की शक्ति ही जेवर है भारत देश की नारी का, इसीलिए तो नाम अमर है अपने देश की नारी का। अरे ये क्या है माँ, ये किसने लगाया? पता नहीं। हाय राम, ये सब क्या हो गया बेटे, ये मैं क्या सुन रही हूँ? माँ, ये सब इस कलमुही की वजह से हुआ है। चार दिन के लिए हम बाहर क्या गए, इस चुड़ैल ने हमारी दुनिया अंधेरी कर दी।
लेकिन बेटे तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। हाँ भैया, बड़े से बड़े डॉक्टर को तुम्हें दिखाएंगे। हाँ। तुम ठीक हो जाओगे बेटे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? दूर हो जा अपनी मनुष्य का लेकर, चल जा यहाँ से। माँ क्या सोच रही हूँ? माँ विजय तो हो गया लंगड़ा, उससे तब कोई काम होगा नहीं। हाँ, अब तो घर बिठा कर ही खिलाना पड़ेगा भाई को। और भाई की बीवी, उसके बाप से तो एक नए पैसे की उम्मीद नहीं। जो कुछ मिलना था मिल गया। मैं सोचती हूँ, मैं भी वही सोच रही थी माँ। क्या है, उसने अंजल तो बहुत दिनों से छोड़ी रखा है, अगर मर गई तो कह देंगे मरण व्रत रखा था, मर गई। वो तो ठीक है, लेकिन मरेगी कैसे? उसका इंतजाम मैंने सोच रखा है। कल सुबह दूध का गिलास और ये रही जहर की गोलियां, बस एक घूंट पीते ही जहर अपना असर दिखाएगा और भाभी पहुंच जाएगी लोक से परलोक। लेकिन उसे शक हो गया तो? अरे नहीं माँ, इसीलिए तो तुलसी के पत्ते मिला दिए हैं, भाभी समझेगी कि प्रसाद लाए हैं। बस ये पूजा पाठ व्रत उपवास कुछ नहीं करना है, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। हाँ भाभी, आज से घर का सारा काम मैं करूंगी, तुम बस पहले खा पी के ठीक हो जाओ। हाँ बहू, तूने हमारे लिए कितना किया है, आखिर हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? हाँ रूपा बेटी, दूध दे दे बहू को। मैं दूध नहीं पी सकती, मेरा व्रत है ना आज। नहीं नहीं भाभी, इससे तुम्हारा व्रत नहीं टूटेगा, इसमें तो हरिद्वार से लाया हुआ भगवान का प्रसाद मिला हुआ है। हाँ बहू सुनो, वहाँ की मानी हुई मन्नत हमेशा पूरी होती है। देखो सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करो और दूध पी लो, फिर देखना विजय कैसे दौड़ता है। सच? हाँ बस राम का नाम लो और एक ही घूंट में पी जाओ। चलो पी लो मेरी लानी लानी भाभी, पी लो। नहीं नहीं, व्रत टूटने से अगर कुछ नहीं। बहू भगवान के प्रसाद का निरादर नहीं करना चाहिए, पी लो। अगर नहीं पियोगी तो भगवान का और प्रकोप हो जाएगा। लो पियो। नहीं तुम्हें पीना पड़ेगा, मेरा व्रत है। फाड़ दे तेरा व्रत, चल पी। नहीं पीती तू, पियो। तुम पर जालिम औरतों, जहर पिलाकर मारना चाहती थी इस पतिव्रता को, हत्या करना चाहती थी इस निर्दोष की। क्या क्या बकते हो तुम, हम क्यों इसकी हत्या करेंगे? और तुम होते कौन पूछने वाले, यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है मैं जाता हूँ और पुलिस को साथ लेकर आता हूँ।
नहीं नहीं बाबा, इनकी नादानी को क्षमा कर देना ही अच्छा है। कि क्या हालत बना ली तूने अपनी? रूपा, बहू के मैके का को नौकर लगता है? करने दे बातें इन्हें, चल। कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करेगी? नहीं, अब मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा, चल मेरे साथ। नहीं बाबा, मैं जीते जी अपने पति का घर नहीं छोड़ सकती। जाएगी तो इस घर से मेरी अर्थी ही जाएगी। अब मैं तेरे साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगा। किससे मिलना है आपको? तारा से। अरे अंदर कहाँ चले आ रहे हैं? वो आराम कर रही है। जाओ बुलाओ उसे। बीबी जी, बीबी जी। दूसरों का सुख चैन लूटने वाली को आराम करने का कोई हक नहीं। तारा, तारा। कौन है? मेरी बेटी। बाबूजी। दुर्गा। ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है बाबूजी? जब तकदीर तमाचा मारती है तो बंदा कुछ नहीं बेटी, सब बिगड़ता ही बिगड़ता। तू यहां कैसे? ये घर तो तारा का है ना? जी हाँ, मैं ही तारा हूं। क्या नाचने वाली? उस शैतान के लिए बनना पड़ा जिसने हमें धोखा दिया था। वो आदमी जो एक दिन पैसों के लिए मुझे दुल्हन बनी छोड़कर चला गया था, आज वो मुझ पर अपनी सारी दौलत लुटाने के लिए तैयार है। ये घर उसने मेरे लिए खरीदा है, लाखों के जेवर लाए हैं मेरे लिए। बाबूजी, आज मेरी एक मुस्कुराहट का वो भिखारी बन चुका है। वो नहीं जानता कि मैं अपनी मुस्कुराहटों में जहर घोले बैठी हूं। मेरे झूठे प्यार में बदले की वो आग छिपी हुई है जिसमें एक दिन वो और उसकी दौलत चलकर राख हो जाएंगे। नहीं बेटी, तू ये ठीक नहीं कर रही। क्यों बाबूजी, उसे उसके किए की सजा नहीं मिलनी चाहिए? सजा तो उसे भगवान ने दे ही, उसकी टांगे बेकार कर दी। आज सिर्फ उसकी टांगे बेकार हो गई हैं। मैं उसे वो दिन दिखाना चाहती हूँ जब वो इस घर के बाहर सड़क पर सांस लेते हुए कूड़े के एक ढेर की तरह पड़ा हुआ होगा। हर लोग उस पर थूकेंगे। बस कर बेटी, बस कर। गुस्से में तू ये भी भूल गई कि तू बदला किससे ले रही है। जिसे तू सजा दे रही है ना, वो तो इतनी मासूम है कि सब कुछ जानते हुए भी उसे तुझसे कोई शिकायत नहीं। किसकी बात कर रहे हैं आप? विजय की बीवी की। आपको उसी इतनी हमदर्दी क्यों है? इसलिए कि उसके पास दूसरों का दर्द समझने वाला दिल है। मैं सड़क पे बेहोश पड़ा था, वो मुझे अपने घर ले गई, मेरी इतनी सेवा की कि मुझे लगा जैसे वो ही मेरी दुर्गा। तूने उसे देखा नहीं? जो औरत विजय को तेरे पास लाती है वो रेखा ही तो है, विजय की पत्नी। ये मेरी नौकरानी। उसकी पति है? हाँ बेटी, पिछले 8 दिन से वो अपने पति के ठीक होने के लिए व्रत रखे बैठी है। अगर उसे कुछ हो गया तो तू जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। अपने दिल से पूछ, क्या तू उसकी मौत चाहती? तेरा घर बर्बाद हुआ है,
तो क्या तू किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद करना चाहती है? तेरी डोली नहीं उठी तो क्या तू अपनी बहन की अर्थी उठाना चाहती है? ये लीजिए भाई साहब, मेरे पति अंदर है, जैसा मैंने आपसे कहा था उन्हें वहां पहुंचा दीजिएगा। आप फिक्र मत करिए, मैं उन्हें ले जाता हूं। दीजिए, मैं बड़ी अभागन हूं जो आज मैं आपको वहां तक नहीं ले जा सकती। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। लेके जाना, दरवाजा खोलो। तुम जाओ। आपको अकेला छोड़कर? हाँ अकेला छोड़कर, लेकिन बीवी जी ने तो कहा। मैंने कहा ना तुम जाओ। निकल जाओ यहाँ से। ए मिस्टर, तमीज से बात करो। हमने मुझे सुनने की पूरी कीमत अदा की है। क्यों तारा भाई? ये हमारे मेहमान हैं। मेहमान? और मैं? आप मेहमान थे। मुझे वालिया मेहमान नवाजी उसी की करती हैं जो उन पे दौलत लुटाता है। बेवफा औरत, मैंने तो अपनी दौलत को अपने आप को तुम पे लुटाया था। मगर अब क्या बचा है तुम्हारे पास? दौलत तुम्हारे पास है नहीं और लंगड़े तुम हो चुके हो। चिल्ला मत। नहीं तारा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जिंदगी भर। मैं एक मुजरे वाली हूँ तुम्हारे सुख के साथ ही, तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो दुख में भी तुम्हारा साथ दूँ। चले जाओ यहाँ से। नहीं, नहीं तारा, रुक जाओ तारा। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। सारा मजा खराब कर दिया उस लंगड़े ने। अब शुरू हो जाओ तारा भाई। माफी चाहती हूँ, आप लोग तशरीफ ले जाइए। आज तारा मर गई बाबूजी, अब दुर्गा नई जिंदगी शुरू करेगी। मैं एक मुजरे वाली हूँ तुम्हारे सुख के साथ, तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो दुख में भी तुम्हारा साथ दूँ। Thank you.
बचाया। मर जाने दिया होता मुझे, तुम मर जाते तो मेरी बेटी दुर्गा का किया सब बेकार जाता। दुर्गा? हाँ, दुर्गा ही तारा है। तारा दुर्गा है? याद करो, पैसे ना मिलने की वजह से जिसके घर तुमने बारात लाने से इनकार कर दिया था, दुर्गा अपने उसी अपमान का बदला ले रही थी तुमसे। और आज जब उसे पता चला कि जो तुम्हें उसके पास लाती रही है वो नौकरानी नहीं तुम्हारी पत्नी है, तो वो अपना सारा बदला भूल गई। उसने तुम्हें घर से निकाला ताकि तुम अपनी पत्नी रेखा के पास जा सको। रेखा? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आज 8 दिन से उसने खाना तो क्या, पानी की एक बूंद तक नहीं पी। तुम ठीक हो जाओ, उसके लिए मरण व्रत रखे बैठी है वो। पता नहीं वो बेचारी अब जिंदा भी है या अब मर गई। नहीं, नहीं रेखा, मुझे चाहिए था, मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं मुझे जीने का रेखा। नहीं, 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 मुझे मेरी रेखा के पास ले चलिए, मुझे मेरी रेखा के पास ले चलिए, मुझे मेरी रेखा के पास ले चलिए। बस अब आप रहने दीजिए, मैं रेखा के पास अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपनी रेखा के पास अपने आप चला जाऊंगा। Thank you.
जितना चाहे मुझे आजमा ले, ये न समझना संकट से मैं डर जाऊंगी, मैं तो डर जाऊंगी, यही डर जाऊंगी, मैं तो डर जाऊंगी, यही डर जाऊंगी। मेरा पति मेरा परमेश्वर, सुन जगत पिता है ईश्वर, मेरा पति मेरा परमेश्वर। देखा मुझे माफ कर दो। Thank you.
धन्य है तेरी सहनशीलता। तूने दुनिया को दिखा दिया कि आत्मविश्वास से इंसान को ही नहीं भगवान को भी जीता जा सकता है। बस जीते रहो बेटे, आओ चलो। बेटी हमें माफ कर दो, माफ कर दो भाभी। नहीं माँ जी, चलिए अरे नहीं, मैं परमेश्वर नहीं, सिर्फ पति हूं।